बिहार बोर्ड के तरफ से बिहार बोर्ड टॉपर इंटरव्यू अर्थात कि टॉपर वेरिफिकेशन को लेकर एक बहुत बड़ी खबर निकल कर सामने आ रहा है। उसके साथ साथ फाइनली बिहार बोर्ड की तरफ से ऑफिशियल रिजल्ट डेट अनाउंसमेंट कर दिया गया है कि कब बिहार बोर्ड मैट्रिक और इंटर बोर्ड परीक्षा 2021 का रिजल्ट जारी होगा। तो इस वीडियो में उस ऑफिशियल डेट की भी बात करेंगे, उसके साथ साथ जो बिहार टॉपर को लेकर खबर आया है, बहुत बड़ी खबर है, उस पर भी चर्चा करेंगे। हिंदी माध्यम छात्रों के लिए खुशखबरी, नेट पर चल रहा है एक बवाल ऑफर। कक्षा 9वीं 10वीं का पूरा कोर्स सभी सब्जेक्ट के साथ दिया जा रहा है 30,000 रुपए नहीं बल्कि सिर्फ 3,000 रुपए में, और 11वीं 12वीं का पूरा 50,000 वाला कोर्स दिया जा रहा है सिर्फ 5,000 रुपए में। इस कोर्स में डेली वीडियो क्लासेस, रोजाना होमवर्क, डाउट्स के समाधान, टीचर नोट, पिछले सालों के पेपर क्विज और अंत में पूरे कोर्स का रिवीजन। इस कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। एक और मजे की बात, इस लिंक पर जाकर अगर आप AR करियर कूपन कोड लगाए तो 500 रुपए की और छूट पा सकते हैं। तो देरी किस बात की बच्चों, अभी जाओ और कोर्स खरीदो और बवाल ऑफर का फायदा उठाओ। तो यहाँ पे आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि इंटरमीडिएट के OMR सीट और आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन के उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन समाप्त हो चुका है। उसके साथ साथ टॉपर के टॉप 100 कॉपियों का भी मूल्यांकन फिर से दोबारा बिहार बोर्ड की तरफ से कर लिया गया है। आज अर्थात कि 21 मार्च से आपके बिहार बोर्ड के इंटरमीडिएट के टॉपर का इंटरव्यू शुरू होगा, और आज और कल 2 दिन में सभी टॉपर का इंटरव्यू बिहार बोर्ड कंडक्ट कर लेगा। समझ सकते हैं कि 21 और 22 2 दिन में बिहार बोर्ड का टॉपर का इंटरव्यू फाइनल हो जाएगा। टॉपर इंटरव्यू फाइनल होने के जस्ट 2 से 3 दिन के अंतर्गत बिहार बोर्ड हर साल की भांति रिजल्ट इस साल भी जारी कर देगा। अर्थात कि इंटरमीडिएट के छात्रों के रिजल्ट की तिथि जो है बिल्कुल फाइनल हो चुका है। 26 तारीख को दोपहर 2:30 में या कितना भी लेट होगा तो 27 को दोपहर 2:30 में आपके इंटरमीडिएट का रिजल्ट जारी हो जाएगा। तो इंटरमीडिएट वाले छात्रों के लिए खुशखबरी है, उनको समझ कर रखना कि आपका रिजल्ट 26 को ही आएगा। अगर नहीं, किसी कारणवश बिहार बोर्ड को हो सकता है कभी सर्वर डाउन चलता है, इस वजह से रिजल्ट अपलोड नहीं हो पाता है, तब किसी भी हाल में 27 तारीख को दोपहर 2:30 में आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा। वहीं पे मैट्रिक के छात्रों की बात करें तो उनका भी 24 मार्च तक आपका भी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों कॉपी जांच कर लिया जाएगा, क्योंकि सब्जेक्टिव का काम जारी है और ऑब्जेक्टिव का भी आप जानते हैं आपके लिए आंसर की अपलोड किया जा चुका है। और उसके आगे फिर टॉपर का वेरिफिकेशन करके मैट्रिक का भी बिल्कुल अच्छा आने वाला है, ऐसा बिहार बोर्ड पहले से भी अनाउंसमेंट कर चुका है। क्योंकि एक तो आपको विकल्पों की संख्या बढ़ा दिया गया था, उसके साथ साथ आपके कॉपी को चेक करने में काफी उदार दिल अपनाया जा रहा है। ग्रेस अंक हर साल से ज्यादा इस साल दिया जाएगा, अर्थात कि यूं कहे तो इस साल नाम मात्र के छात्र फेल करेंगे, उन्हें भी आप फेल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो फेल करेंगे उन्हें फिर कंपार्टमेंटल परीक्षा और विशेष परीक्षा के माध्यम से पास को घोषित कर दिया जाएगा। आज के खबर से जो आप सभी छात्रों को समझना है वो ये है कि इंटरमीडिएट के टॉपर इंटरव्यू आज और कल 2 दिन चलेगा, और 26 को दोपहर 2:30 में नहीं आया रिजल्ट तो 27 को तो किसी हाल में रिजल्ट आपका जारी कर दिया जाएगा। और मैट्रिक के कॉपी का मूल्यांकन 24 मार्च तक OMR सीट और उत्तर पुस्तिका दोनों का मूल्यांकन समाप्त हो जाएगा। तो मैट्रिक का रिजल्ट किसी भी हाल में 5 अप्रैल से पहले पहले जारी कर दिया जाएगा। इस साल का रिजल्ट प्रतिशत हर साल से बिल्कुल अच्छा आएगा। इस साल का टॉपर इंटरमीडिएट का कौन बना है इसके बारे में कल शाम तक जानकारी निकलकर सामने आ जाएगा, तो उस समय आपको जरूर सूचना देंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।